सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम अपने क्यूबिकोड सर्वर के अंदर डालने वाले हैं एक पेट्स की स्क्रिप्ट, जिसका मतलब आप अपने सर्वर के अंदर एक पर्सनल पेट रख सकते हैं। वो एक डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, या फिर एक हैन भी हो सकती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर। एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंस्टॉलेशन पे। तो आपको जाना है इस लिंक पे, एंड ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से जाके। सो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ एंड स्टार्ट डाउनलोड। सो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक NPC मिलेगा हमें, जिस पे जाके हम यहाँ से पेट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे पेट के साथ साथ हमें पेट का फूड भी मिलेगा एंड सब कुछ मिलेगा हमारे पेट से रिलेटेड। सो स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपको बस इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आके इसको बस कॉपी कर लेना। बाहर से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा सर्वर है। सो यहाँ पे हम आ गए रिसोर्सेज के फोल्डर में एंड यहाँ पे एड ऑन स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में हम यहाँ पे आ गए। अब ये फोल्डर मैंने पिछली वीडियो में इंश्योर कर दिया था, जिसका मतलब इस फोल्डर के अंदर जितनी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी अपने आप रन कर जाएंगी। सो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा रीनेम कर दिया जिससे ये ईजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यहाँ पे अब देखते हैं इसके इंस्टॉलेशन को। सो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे बताया हुआ क्या क्या हमें करना है। सो यहाँ पे जितनी भी आइटम, जितनी भी स्क्रिप्ट हमारी रिक्वायर्ड थी, ये सारी हमारे पास है। सो अब सेकंड स्टेप में हमें इन आइटम को हमारे क्यूबिकोर में डालना है। सो इसके लिए हम चलते हैं सीधा अपने क्यूबिकोर में। सो यहाँ पे आ गया मैं क्यूबी एंड क्यूबिकोर और शेयर्ड में जाके items.lua। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है एकदम एंड में, और इधर कुछ यहाँ पे आके आपको एक दो एंटर प्रेस कर लेने हैं, मतलब थोड़ी सी जगह बन जाए यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको ये कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे इजीली पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बाकी जितनी भी सारी आइटम्स है, ये सारी आप देख सकते हो सिर्फ एक लाइन में है। एंड यहाँ पे कुछ 5 से 6 लाइन यहाँ पे हमारी एक आइटम खा रही है, तो आप इसकी जो ये स्पेसिंग है ये सारी कम करके आप इन सबको एक लाइन में भी कर सकते हो। बाकी अगर ये ऐसे है तो आप इनको ऐसे भी चला सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया है, तो इसको मैं कर लेता हूँ बंद एंड चलते हैं आगे अगले स्टेप पे। सो यहाँ पे ये कहता है क्यूबी शॉप्स में जाओ, तो वहाँ पे चलते हैं अब। सो क्यूबी शॉप्स हमें मिलेगा इसी क्यूबी के फोल्डर में। एंड इसके अंदर आने के बाद आपको config.lua फाइल ओपन करनी है। तो इसको मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। सो अब हमें ये सारी आइटम्स जो है हमें हमारे क्यूबी शॉप्स में डालनी है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। एंड ये एक टाइप से वो है कि हमारे जो ये शॉप की स्क्रिप्ट है, मतलब यहाँ पे हम जब पेट बाय करेंगे तो उसका क्या प्राइस होगा एंड वो सब हमें यहाँ पे डालना है सिंपली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे आने के बाद आप इसको पेस्ट कर दो। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वापस एक कॉमा ज़रूर लगा देना। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारे जो पेट का प्राइस है वो सब आपको यहीं पे दिख जाएगा कि कितने के पेट्स हैं। एंड यहाँ पे आप इनका प्राइस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हमें सबसे एंड में जाना है एंड ये शॉप को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा इधर, और यहाँ पे आपको ये कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं कुछ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड बस यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव, और इसको भी यहाँ से मैंने कर दिया बंद। इसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अब ये है टूल टिप। अब टूल टिप क्या होती है, अगर आप अपनी इन्वेंट्री में जाते हो एंड वहाँ पे आप आइटम पे होवर करते हो, तो राइट साइड में नीचे की साइड आपको कुछ डेटा दिखता है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं टूल टिप। सो हमें इसको भी इनेबल करना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए जाना है क्यूबी इन्वेंट्री में। तो चलता हूँ वापस मैं क्यूबी इन्वेंट्री में, एंड इसके बाद आपको HTML में आ जाना है, JS एंड app.js में। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है एंड अब देखते हैं हमें कहाँ पे डेटा डालना। तो हमें, मैं ये वर्ड कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको पेस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो else if स्टेटमेंट्स आ जाती हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे मैं एक else if से पहले एक एंटर मार देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ डाल देता हूँ
यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ से और यहाँ तक पेस्ट हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस ये जो चीज़ें कंटिन्यू होगी, मतलब यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस और मैंने आईडी कार्ड के बीच डाला था तो एलजिफ से एलजिफ वापस वो चीज़ पूरी कंटिन्यू होगी। यहाँ पे मैंने एलजिफ स्टेटमेंट ब्रेक नहीं करी है तो यहाँ पे इतना पेस्ट हो गया। एंड इसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे एंड अब देखते हैं क्या कॉपी करना है हमें। तो यहाँ पे हमें कॉपी करना है ये फंक्शन और इसको हमें सबसे एंड में डाल देना है। तो ये भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया मैं सबसे नीचे और कुछ यहाँ आने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो बस इसका भी काम ख़त्म। इसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट में हमें K9 का भी फंक्शन मिलता है, मतलब पुलिस के अलर्ट जो डॉग्स होते हैं उन सब का। सो उसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, जिसका मतलब ये सर्च कर सकता है लोगों को एंड ट्रंक भी सर्च कर सकता है खुद से। सो वो भी एक बार हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को K9 के लिए सबसे पहले अपने इन्वेंट्री का सर्वर लुआ खोलना है, सर्वर का मेल लुआ खोलना है। तो यहाँ पे मैं आ गया सर्वर में एंड मेल लुआ में एंड इसके बाद मेरे को ये लाइन सर्च करनी है और इसके बाद मेरे को कुछ यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ये दो लाइनें डालनी हैं जो कि एक्सपोर्ट्स गेट ट्रक, ये गेट ट्रक ही है, ट्रंक नहीं है तो आप चेंज मत करना, ये चीज़ चलेगी नहीं क्योंकि हमारी जो मेन स्क्रिप्ट है वहाँ पे ये गेट ट्रक ही लिखा हुआ है। तो अगर आप चेंज करते हो तो आपको वहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा फंक्शन आईडी, सबसे एंड में आ जाएगा एंड और इनके बीच में रिटर्न ट्रंक्स और आईडी। यहाँ पे मैंने आर रह गया, सो ये होगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गेट ग्लव बॉक्सेस। और इसी को यहीं पे लिख दूंगा मैं। तो इतना हो जाने के बाद हमारा स्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है एंड इसके बाद हमें बस इन्वेंट्री की जो आइकन्स है, जो इसमें पिक्चर्स है, हमें बस वो सब हमारी क्यूब इन्वेंट्री में डालनी है। तो वो भी हमें स्क्रिप्ट में मिल जाती है तो वो कॉपी कर लेते हैं पहले। तो वो यहाँ पे एंड ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपने इन्वेंट्री में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके HTML एंड इमेजेस, यहाँ पे मैं ये सारी पिक्चर्स पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। अब एक बार सर्वर को ऑन कर लेते हैं एंड जैसे ही सर्वर ऑन होता है मैं सर्वर के अंदर चलता हूँ एंड आपको ये स्क्रिप्ट चला के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने सर्वर के अंदर एंड सबसे पहले आप बाय कर लेते हैं एक पेट। तो आपको आ जाना है इधर इस पेट शॉप पे। तो मैं आपको इसको एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस क्लोज शॉप के पास में है एंड अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस लोकेशन पे हमारी पेट शॉप आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको इसे इंटरेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको सारे पेट दिख जाएंगे एंड इनकी आइटम्स भी दिख जाएगी। सो यहाँ पे मैं कोई भी एक पेट बाय कर लेता हूँ सबसे पहले, फॉर एग्जांपल पग, यहाँ पे मैं बंद करना था एंड अब मैं बाय कर लेता हूँ। एंड इसके अलावा इसकी फर्स्ट एड किट बाय कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा ऑप्शन इस पेट को एक नेम देने का एंड इसके अलावा इसका कलर चेंज करने का। एंड ये मैं एक बार कर सकते हैं, इसके बाद मेरे को कस्टमाइजेशन किट खरीदनी पड़ेगी, ग्रूमिंग किट, उसके बाद ही मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। सो यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ग्रे एंड रीनेम करके इसको मैं एक नेम दे देता हूँ कोकोनट। सही हो गया एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कन्फर्म एंड वापस अगर मैं इसको यूज़ पे लेके जाऊँ तो मेरा पेट यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा। सो ये देख सकते हो आप, ये है मेरा पेट। एंड अगर मेरे को सब कोई इंटरेक्शन या कोई एक्शन करवाना है तो मेरे को प्रेस करना पड़ेगा ओ एंड ओ के बाद यहाँ पे एक्शन देख सकते हो क्या क्या है। एंड यहाँ पे कुछ हंटिंग एंड ग्रैबिंग वाला है, ये सिर्फ डेंजरस पेट पे ही चलेगा एंड वो सारा आप इसकी कॉन्फ़िग से सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा इसे ट्रिक्स करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल पॉ। एंड अगर
आपको दिखाऊं तो ये, अच्छा ये छोटे वाला पैड है तो ये नहीं करेगा, ये वाला एक बार दूसरे वाला करवा के देखता हूँ। तो ये भी नहीं कर रहा, तो छोटे वाले पैड शायद ना करें, मैंने ट्राई किया था, तो बड़े वाले पैड तो कर लेते हैं। तो कुछ और देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गेट इन कार, मैं गाड़ी स्पॉन कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी या बाइक, बाटी कर ली एंड वो प्रेस किया एक्शन से, यहाँ पे बैठ गया। एंड आपको इसकी मैप में लोकेशन भी दिखती रहेगी जब तक कि स्पॉन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब उतरते हैं एंड एक्शन फॉलो, यहाँ पे अब मेरे को फॉलो करेगा। अब इसको खाना पीना खिलाना हो तो आप वो भी खिला सकते हो इसके ऊपर, अगर आप टारगेट करते हो। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेट का ऑप्शन आएगा और पानी पिलाने का आएगा एंड हील का आएगा अगर ये मर जाए तो। इसकी जो किट है जो मैंने बाय करी थी तो वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे आ गया डाइड, और अब अगर मैं इस पर टारगेट करूँ तो यहाँ पे रिवाइव का ऑप्शन आएगा। मेरे पास जो किट थी वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी एंड ये वापस रिवाइव हो जाएगा एंड मैं इसको अब यहाँ पे दोबारा स्पॉन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, तो ये था इसमें। एंड अगर आप कोई बड़े पेट लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैंथर ले लेते हो, तो वो थोड़ा ध्यान से रखना, बिकॉज जो अटैकेबल NPC है वो उसको मार सकते हैं। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे तो मैं आपको एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पॉन कर लेते पैंथर, एंड पैंथर तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक आप उसको ऑर्डर नहीं देते। तो यहाँ पे मैं कर देता इसको स्पॉन, एंड अगर अब मैं इसको उनके पास लेके जाता हूँ तो आप देखना यहाँ पे मरेगा नहीं, पर ये वैसे मर जाएगा, पर इसका डाइड का आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप इसको फिर से रिस्पॉन कर सकते हो, यहाँ पे डिस्पॉन कर सकते हो अगर इसको NPC मारने लग जाए। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ वापस इसको यूज़, ये डिस्पॉन हो जाएगा एंड इसको आप वापस किसी साइलेंट एरिया में जाके स्पॉन कर सकते हो। ये तभी मरेगा जब इसको कोई एक रियल प्लेयर मारेगा। तो इसको यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस, एंड अब इसको मैं एक बार फिर से स्पॉन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्पॉन हो गया। एंड अगर आप देख सकते हो मेरे पास कंट्रोल इसके हैं, इसके नहीं। अगर मैं ओ प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं आई कर रहा हूँ वापस, ओ करता हूँ स्विच कंट्रोल, एंड इसका कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। सो मैं इसका कोई भी ऑर्डर दे सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गो देयर, तो ये वहाँ पे चला गया। तो बस ये था इस पैट की स्क्रिप्ट में। अगर ये आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा हो आप मेरे को बता सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहां पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।